खबर रामपुर से है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में वीर खालसा सेवा समिति की तरफ से कोविड-19 से संक्रमित ऑक्सीजन जरूरतमंद लोगों के लिए फी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा की शुरुआत की गई। इसका जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर रेडिको खेतान के डायरेक्टर केपी सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट श्री राम मिश्र मौजूद रहे। जो गुरुद्वारा प्रबंधक समिति हैं और जो शहर के हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं और रेडिको खेतान से केपी सिंह जी हैं और हमारे सभी जो सम्मानित वरिष्ठ जन हैं शहर के, तो उनके द्वारा लगातार एक बहुत अच्छी सामाजिक पहल पहले से की जा रही है। और पूरे जब अभी कोरोना की सेकेंड वेव हो चाहे फर्स्ट वेव हो, तो लगातार उन्होंने शहर के लोगों की सेवा करने का काम किया है। तो पहले जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को जो प्रोवाइड कराना हो होम आइसोलेशन के लोगों को, उसमें भी प्रभावी भूमिका रही है। और साथ साथ जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भोजन की आवश्यकता हो, चाहे वो सूखा राशन हो अथवा गीला हो, तो दोनों प्रकार का भोजन भी लगातार प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ जहाँ पे शवों को लेकर अगर कोई दिक्कत आती है, तो शव प्रबंधन में भी लगातार सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी हमारी पूरे यहाँ पे गुरुद्वारे की टीम है। और आज उनके द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स उनके द्वारा कुछ मंगवाए गए हैं जिनको हमने यहाँ पे आके देखा है और बहुत अच्छी पहल उन्होंने की है। फ्री कंसंट्रेटर्स ऑक्सीजन की मशीनें आज वीर खालसा सेवा समिति के द्वारा व गुरुद्वारा कमेटी के सहयोग के द्वारा आज हमने उसका उद्घाटन माननीय जिलाधिकारी जी के द्वारा किया गया। साथ में रेडिको खेतान के डायरेक्टर श्री केपी सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट साहब मौजूद रहे। और अब ये जो मशीनें हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को फ्री ऑक्सीजन ये खुद बनाएंगी और उन लोगों को मुहैया कराए जाएंगे। समाज में ऑक्सीजन के बगैर किसी की जान ना जाए और ये महामारी जो चल रही है